जब कोई देश अपना एक इनिशिएटिव 140 देशों में फैलाता है तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देश है चाइना और इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। China's Belt and Road Initiative. China's One Belt One Road Initiative. आज मंडे मेगा स्टोरी में बात दुनिया को मुट्ठी में कर्ज देकर गुलाम बनाने वाले चीन के मास्टर प्लान की। करीब 2200 साल पहले चीन में हन राजवंश का शासन था। तब यहाँ चीन में कीमती रेशम यानी कि सिल्क खूब तैयार होता। इसे उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर भेजा जाता। इसी रूट को सिल्क रूट कहा गया, जिसे धीरे धीरे इस रूट में समुद्र के रास्ते भी शामिल हुए, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद सिल्क रूट का इस्तेमाल कम हो गया। 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद चीन की सत्ता पर डैंग योंगपिंग काबिज हुए। उन्होंने कई दशकों से घिसटती चीन की इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। 21वीं सदी में चीन की रफ्तार ने सभी को हैरान कर दिया और ये देश सुपर पावर बनकर उभरा। 2013 में शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और दुनिया पर वर्चस्व जमाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। यही चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। दुनिया को मुट्ठी में करने वाले इस मास्टर प्लान की घोषणा दो खांचों में बटी थी। पहली सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये एक जमीनी रूट है जो चीन को एशिया, रूस और यूरोप तक जोड़ता है। मैरीटाइम सिल्क रूट, ये एक समुद्री रूट है जो चीन के तटीय इलाकों को हिंद प्रशांत अरब से यूरोप तक जोड़ता है। दोनों को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। इसकी 5 प्राथमिकताएं बताई गई। पॉलिसी में आपसी सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, बिना रुकावट के व्यापार, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। चाइना की ये 5 प्राथमिकताएं दुनिया के कई देशों को कर्ज देकर गुलाम बनाने के लिए काफी थी। इसे डेब्ट ट्रेड डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब जानते हैं कि चाइना ये सब कैसे करता है। इस इनिशिएटिव में शामिल देशों को चीन सस्ती दर पर लोन देता है। कई विकासशील देशों ने क्षमता से ज्यादा लोन ले लिया, जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते अब चाइना देशों से अपनी शर्तें मनवा रहा है और उनके प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा रहा है। दुनिया के 140 देश इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। चीन $350 बिलियन का कर्ज दे चुका है, इसमें से आधे हाई रिस्क डिबेटर हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, लाओस, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। चीन के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ भारत कभी इस इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बना। वही अमेरिका ने भी अब जाकर होश संभाला है। अमेरिका ने जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया है। इसके जरिए चीन को घेरने की तैयारी है। वहीं ऑकस डील के जरिए ऑस्ट्रेलिया, UK और US इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करना चाहते हैं। आपने लोगों को चाइना का माल कहते हुए सुना होगा। चाइना के घटिया माल के लिए अक्सर ये बात बोली जाती है। ठीक ऐसा ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भी हो रहा है। चीनी कंपनियां महंगी दर पर घटिया काम करती हैं। इससे प्रोजेक्ट्स रद्द होते हैं और राजनीतिक अनबन बढ़ती है। जैसे कि 2018 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने महातीर बिन मोहम्मद ने भी किया। उन्होंने महंगे और घटिया काम होने का आरोप लगाते हुए $22 बिलियन की डील रद्द कर दी। घाना और केन्या ने भी डील्स रद्द की हैं। वहीं कांगो जैसे देश भी इस बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए चीन के बनाए मास्टर प्लान की मंडे मेगा स्टोरी। ऐसी ही डिटेल खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।